ये मोबाइल किसने दिया तुम्हें? दिया किसी ने। ये किसी ने कौन है? तुम बताओ। तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बोलो। तुमने भी तो कुछ गेस किया होगा, तुम बताओ। वही जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है। अरे हंसी क्यों? अच्छा हुआ तुमने टीवी सीरियल नहीं बनाया, फ्लॉप हो जाता। इमेजिनेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर वो कौन थी? मेरी सेक्रेटरी। तुमने सेक्रेटरी भी रख ली? नहीं तो काम कैसे चलेगा? मैं वहां पड़ा रहूंगा और यहाँ का काम कौन करेगा? उसके पास मोबाइल फोन भी है। हाँ वैसे तो मेरा ही है, लेकिन उसके पास रहता है। जब भी मैं कलकत्ता आता हूँ तो यूज करता हूँ। दिखने में कैसी है तुम्हारी वो सेक्रेटरी? अच्छी है। अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेती है? बोल लेती है। शादीशुदा है? अनमैरिड। बच के रहना मन्नू, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। लेकिन वो तो अच्छी है। बुद्धू की बुद्धू ही रह गए तुम। खाने के लिए क्या पूछ लिया, लड्डू हो गए? अब मैं बुद्धू नहीं रानी रहूं। अच्छा बुरा सब समझने लग गया। कैसे फ्लर्ट कर रहे थे? अच्छा हुआ तुम्हारी होने वाली बीवी सामने नहीं थी। वो सामने होती तो अलग से बात करता। अच्छा तुम्हारे पति का अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या रिलेशन है मालूम है तुम्हें? अरे वो तो बुढ़ी है, रिटायर भी होने वाली है। ये तो और भी बुरी बात है। उसकी जगह जो नई सेक्रेटरी आएगी वो तो यंग होगी। होने दो, देखो अगर कुछ होना भी है ना तो मैं कहाँ रोक पाऊंगी। अब मैंने सब सोचना भी छोड़ दिया है मन्नू। अमीर आदमी की बीवी होने के कितने प्रॉब्लम होते हैं मालूम? अब वो कहाँ है, किधर जा रहे हैं, तबीयत कैसी है, ठीक से पहुँच गए हैं, खाना भी ठीक से खाए? ओ माँ तुम्हें आज इतनी देर हो गई और मैंने तुम्हें कुछ खाने के लिए पूछा भी नहीं। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे चलेगा, तुम पहली बार घर आए हो। एक्चुअली वो अलाउड नहीं है, हर्बल लाइफ पे हूँ ना, लंच मना है। रहने दो, एक बार लंच खा लोगे तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। और तुम्हारी वो सेक्रेटरी को बुरा लगे तो कह देना, इतनी जबरदस्ती की कि मना भी नहीं कर पाया। किसने जबरदस्ती की? मैंने, और किसने? मेरी सेक्रेटरी तो तुम्हें जानती नहीं है, क्या कहूंगा, कौन था? कहना गर्लफ्रेंड। शाम ढले सखियां सब लौट गई सारी, अकेले हम नदिया किनारे।